हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मैम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसका टॉपिक देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो इंडियन स्टेट्स थी उनको रीऑर्गेनाइज किया गया। रीऑर्गेनाइज यानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, जब हमारे पास करीब 10 स्टेट्स के आसपास, और आज हमारे पास 28 स्टेट हैं। यानी कि 10 से हमारे पास 28 स्टेट हो गई। यानी कि हमारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कराया है। पहले जो 10 थी उनमें से कुछ नई स्टेट्स काटी गई हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है वापस से, और फिर वो 28 स्टेट बन गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और फिर ये कैसे किया गया, इसमें क्या क्या चैलेंजेस थे, वो इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता रखा है कि जो हमारे नेशन था इंडिया, उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग में। ठीक है, तो नेशन बिल्डिंग में सबसे पहला चैलेंज जो हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में वो था पार्टीशन। पार्टीशन की वजह से हमारे नेशन बिल्डिंग बहुत दिक्कतें आई, और वो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था पहले, उस पर वीडियो बना रखी सेपरेट। उसके बाद दूसरा चैलेंज क्या आया था, दूसरा आया था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थी राजा महाराजाओं की 565 से भी ज़्यादा, उन प्रिंसली स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कैसे इंटीग्रेट कराया, वो हमारा एक सेकेंड चैलेंज। लेकिन अब आता है थर्ड चैलेंज क्या है, वो है ड्रॉइंग ऑफ इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। यानी कि जो इंडियन स्टेट्स थी उनकी जो इंटरनल बाउंड्रीज थी, कि भाई यूपी का एरिया इतना है, हरियाणा का इतना है, पंजाब का इतना है, मध्य प्रदेश का इतना है, तो ये जितना भी एरिया है इनकी जो बाउंड्रीज हैं, इनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना था। कि भाई यूपी के पास ज़्यादा एरिया आ गया, इसे काट के थोड़ा इतना इसको दे दो। कि भाई उत्तराखंड एक अलग स्टेट बननी चाहिए क्योंकि उधर के लोग अलग हैं, तो उसे यूपी से अलग कर दो। तो पंजाब और हरियाणा को अलग करना चाहिए क्योंकि हरियाणा में हरियाणवी बोलने वाले होते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से जो कि इंटरनल बाउंड्रीज बनानी थी, वो हमारा एक तीसरा चैलेंज था। ये चैलेंज क्यों था, अब कई लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें अलग स्टेट दो, हमें स्टेट में कैसे रख रहे हो तुम। कि भाई जो पंजाब था, पंजाब उस टाइम पीरियड पे उसमें हरियाणा भी आता था, और आज का टाइम पीरियड का पंजाब भी आता था, और हिमाचल प्रदेश भी आता था। तो हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, लेकिन पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं। तो पंजाब वाले बोले कि हमें इनसे अलग बनाओ भाई, हमारा पंजाब अलग होना चाहिए, इनका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग होना चाहिए। तो इस बेसिस पे इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करे, और फिर इनकी अलग स्टेट बन गई। तो ये प्रोटेस्ट वगैरह से कैसे डील करना है, अब प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में और हर जगह बाहर हर किसी को अलग स्टेट देने लग गए, तो 1000 स्टेट से ऊपर हो जाएंगे इंडिया में। तो ये दिक्कत भी थी कि भाई इतनी ज़्यादा स्टेट्स भी नहीं बनानी, वरना एडमिनिस्ट्रेशन हार्ड हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें जो थी वो इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि जो इन बाउंड्रीज फॉर्मेशन थी, बाउंड्रीज कि भाई इस बाउंड्रीज के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या थी। कि भाई बाउंड्री तो बनानी है, बना दो, कोई भी बंदा बैठेगा मैप लेके और बना देगा बाउंड्री, जितना मांगे उसे उतना दे दो, इसमें दिक्कत क्या है। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि जो बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं बनानी, कि भाई जितना तुम शेड्यूल किया जाए उस हिसाब से तुम बाउंड्रीज बना लो। उन बाउंड्रीज में, इन बाउंड्रीज में देश की कल्चरल और जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसे दर्शाना है। देश की कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दर्शाना है इंडियन स्टेट्स की बाउंड्रीज के हिसाब से। यानी कि तुम्हें सिर्फ अपने हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं करना कि भाई हमारा जो इंडिया है ये मान लो इंडिया है, तो भाई हमें इतना एरिया रूल करने में दिक्कत हो रही है, तो इसे 3 हिस्सों में बांट दो, आराम से रूल कर लेंगे, ये एक स्टेट बन गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 12 स्टेट बन गई। ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि जो बाउंड्रीज बनानी थी वो बनानी थी कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के हिसाब से। कि भाई मान लो इधर हिंदी बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो इधर हिंदी की कोई स्टेट बनाओ, इधर भाई मराठी बोलने वाले रह रहे हैं तो इधर मराठी की बनाओ, इधर पंजाबी बोलने वाले रह रहे हैं इधर पंजाबी की बनाओ, इधर कश्मीरी बोलने वाले रह रहे हैं इधर कश्मीरी बनाओ, इधर मणिपुरी लैंग्वेज के लोग हैं इधर मणिपुरी बनाओ, इधर नागामीज लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो इधर नागामीज बनाओ। तो ऐसे ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पे, या फिर कल्चर की, इधर भाई पहाड़ी लोग रह रहे हैं उत्तराखंड में तो इधर उत्तराखंड बनाओ, इधर भाई ट्राइबल लोग ज़्यादा रह रहे हैं तो इधर ट्राइबल लोगों के स्टेट बनाओ। तो इस बेसिस पे जो स्टेट्स बनानी थी वो थी रियल प्रॉब्लम, कि भाई किस लैंग्वेज को कितना एरिया देना है, किस कल्चर को कितना एरिया देना है, और इस हिसाब से बाउंड्रीज बनानी थी, और ये असली प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है कि जो कॉलोनियल इंडिया था, कि भाई जिस टाइम पीरियड पे इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल करते हैं, उस टाइम पीरियड पे जो बाउंड्रीज थी, उस टाइम पीरियड के जो स्टेट्स की बाउंड्रीज थी, वो कैसे बनाई जाती। तो इस क्वेश्चन का जवाब में एनसीईआरटी ने दे रखा है कि जो कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, ये बाउंड्रीज कभी भी कल्चरल बेसिस पर नहीं बनाते।
कि भाई इस तरफ मराठा लोग ज़्यादा हैं तो इधर महाराष्ट्र बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग अपने हिसाब से बनाते थे, अपनी सहूलियत के हिसाब से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर बनाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी कि जहाँ पे उन्हें आसानी होगी कि भाई इस इतने एरिया को कंट्रोल करना आसान है, बेशक इसमें भाई कितने ही लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हो, यहाँ पे मराठी भी घुस रखे, हिंदी भी घुस रखे, तमिल भी, बेशक कितने ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, अगर उन्हें ये एरिया आसानी से कंट्रोल किया जा रहा है तो वो इस एरिया को एक स्टेट मानते थे, ठीक है। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट बनाते थे, ठीक है। या फिर वो क्या करते थे, जो भी एरिया उनके अंडर में होता था, जो भी एरिया अनेक्स किया जाता था, अनेक्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जिस भी एरिया को जीतती थी, कि मान लो किसी राजा से लड़ाई करके ये एरिया जीत लिया, तो उस एरिया को एक स्टेट बना दिया। मतलब कोई उन्हें फिक्र नहीं थी कि भाई लोग अलग अलग डाइवर्सिटी के हैं तो एक स्टेट में नहीं रखना चाहिए, ऐसे स्टेट बनाते थे जैसे उनको जीत के एरिया मिलता था। या फिर उस जमाने में कैसे स्टेट्स डिसाइड होती थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, कि भाई कोई एक राजा है, ये राजा है मान लो ए, अब ए राजा के पास इतनी ज़मीन है तो उस ज़मीन को पूरी को एक स्टेट मानेगा, भले उसमें 10 लैंग्वेज के लोग रहते हों या फिर 15 लैंग्वेज के लोग रहते हों, अगर उस राजा के अंडर में एक स्टेट है, इतना बड़ा एरिया है, तो पूरा एक स्टेट माना जाएगा, ठीक है। तो कॉलोनियल इंडिया में तीन बेसिस पे स्टेट्स बनाई जाती थी। पहला बेसिस था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जहाँ पे ब्रिटिशर्स को आसानी जो होती थी रूल करने के लिए, वो एक स्टेट बना देते थे। एक था अनेक्सेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट जीतती थी उसे एक स्टेट बना देती थी। तीसरा था प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो भी एरिया प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में था वो एक स्टेट कहलाता था, ठीक है। ए मान लो ए राजा है, उसके पास जितना एरिया है वो एक स्टेट कहलाएगा। अगर बी राजा है उसके पास जितना एरिया है वो बी स्टेट कहलाएगा। तो ऐसे ऐसे 565 राजा थे और 565 स्टेट्स थी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। लेकिन ये जो कॉलोनियल इंडिया के टाइम पीरियड पे स्टेट्स बनाने का मेथड था, कि भैया ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे स्टेट्स बना देते थे, इस मेथड को आर्टिफिशियल बोला किन्होंने, फ्रीडम फाइटर के जो मूवमेंट के लीडर्स थे, या फिर जो हमारा नेशनल मूवमेंट था इंडिपेंडेंस के लिए उसके जो लीडर्स थे, या फिर कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स ने बोला कि भाई ये जो आर्टिफिशियल तरीका है हम ये फॉलो नहीं करेंगे, हम किस बेसिस पे हम स्टेट्स बनाएंगे, हम बनाएंगे कल्चरल या फिर लैंग्वेज के बेसिस। ये उन्होंने 1920 में ही लोगों को कह दिया था, 1920 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि कांग्रेस का सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। तो अब सेशन क्या होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, तो उस जमाने में क्या था और आज भी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी वो 1885 में बनी थी, और जब से उसकी एक प्रथा थी कि भाई हर साल, एवरी ईयर, हर एक साल में उसकी एक सेशन जरूर होगी, और वो सेशन में कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, टोल लीडर्स, वो एक जगह पे मिलते थे, किसी एक जगह मिलते थे, और वो जगह हर बार अलग होती थी, डिफरेंट प्लेस होती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार दिल्ली में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, कभी भाई साउथ इंडिया में किसी जगह मिलते थे, कभी नॉर्थ इंडिया में, कभी वेस्ट इंडिया में, कभी ईस्ट इंडिया में। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन बिठाए जाते थे, और ऐसे ही 1920 का जो ईयर था उसमें भी एक सेशन बैठा था, और वो सेशन बैठा था नागपुर में, इसीलिए से 1920 का नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। और इस नागपुर सेशन में कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिवीज़न होगा या फिर रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे होगा। ये चीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, मान लो कोई भी पार्टी है, कोई इतनी बड़ी पार्टी है भाई, पूरे भारत में रूल कर रही है, मान लो ये बहुत सारी स्टेट्स हैं, इन हर जगह में एक सिंगल पार्टी रूल कर रही है। अब क्या होता है, कोई भी अगर पार्टी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, तो इसके पार्टी वर्कर्स पूरे इंडिया में स्प्रेड होंगे, कि भाई पूरा इंडिया है इसमें पार्टी वर्कर्स स्प्रेड हैं। अब इसके जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो कि इस पार्टी का मेन काम करते हैं, वो पूरे इंडिया में स्प्रेड है। अब इनका कोई मान लो एक लीडर है, ये मान लो इस पार्टी का एक हेड है, ठीक है, हेड वाइट से हेड है और येलो से पार्टी के मेंबर्स हैं। अब पार्टी के मेंबर्स को क्या काम करना है भाई, किस मुद्दे पे क्या आंदोलन करना है, ये सब चीज़ें वो हेड डिसाइड करता है, ठीक है। और हेड फिर सारे पार्टी मेंबर्स को बताता है और पार्टी मेंबर्स उस तरीके से काम करते हैं। अब अगर इतनी सारी स्टेट्स होंगी, कि भाई इंडिया में उस जमाने में थी बहुत सारी स्टेट्स, तो अब इंडिया जैसे जो बड़ा देश है उसमें भाई लाखों मेंबर्स होंगे किसी भी पार्टी के, लाखों मेंबर्स भाई, लाखों में संख्या होगी इन मेंबर्स की। तो अब ये हेड से बारी बारी करके सवाल पूछेंगे कि भाई हमें क्या करना है वगैरह वगैरह। तो अब कोई बंदा हेड है, वो अकेला हेड है, तो वो अब लाखों लोगों के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस या फिर जो टेलीग्राम वगैरह होते हैं
टेलीग्राफ वगैरह, तो इन सब का रिप्लाई कैसे दे पाएगा? वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो सेंट्रल लीडरशिप होती है वो अपनी पार्टी को डिफरेंट स्टेट्स के बेसिस पे बांट देती है कि भाई हरियाणा कांग्रेस हो गई एक हो गई पंजाब कांग्रेस, एक हो गई दिल्ली कांग्रेस, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस, फिर कश्मीर की कांग्रेस, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कांग्रेसेस में बांट देगी स्टेट के हिसाब से, ठीक है। और फिर इन कांग्रेस का एक छोटा छोटा लीडर होगा कि भाई हरियाणा कांग्रेस का एक लीडर है, पंजाब कांग्रेस का एक लीडर है, दिल्ली कांग्रेस का एक लीडर है, फिर ओवरऑल एक कांग्रेस का लीडर होगा। फिर ये सारे जो छोटे छोटे से चुटकुट चुटकुट से मेंबर्स हैं पार्टी के, ये सारे मेंबर्स अपनी पार्टी के जो स्टेट का लीडर है उससे बताएंगे, और ये लीडर जाके मेन कांग्रेस के लीडर को बताएगा। और इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि पार्टी का जो रूल है उसे संभालने की जो तरीका है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइड किया जाता था पार्टी को बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में, बहुत सारे अलग अलग एरिया के हिसाब से। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 1920 में डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपनी जो कांग्रेस है उसे डिवाइड करेगी, वो किसी भी स्टेट के हिसाब से नहीं करेगी कि भाई जो ब्रिटिशर्स ने स्टेट्स बना रखी थी उसके हिसाब से नहीं करेगी, वो करेगी लैंग्वेज के हिसाब से कि जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके लैंग्वेज की एक कांग्रेस हो जाएगी। जहाँ पे मराठी लोग रहते हैं, मराठा लैंग्वेज बोलने वाले, तो वहाँ पे मराठा की कांग्रेस बन जाएगी एक अलग से, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ, उस टाइम पीरियड पे इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे एक स्टेट थी बॉम्बे स्टेट। अब बॉम्बे स्टेट में दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, गुजराती और एक थे मराठी। आज के टाइम पीरियड पे तो गुजराती के लिए अलग स्टेट है गुजरात, और मराठी के लिए अलग स्टेट है महाराष्ट्र। लेकिन उस टाइम पीरियड पे एक स्टेट थी बॉम्बे। तो अगर इन दोनों को मिला के, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे अगर स्टेट के हिसाब से बांटना होता तो कांग्रेस एक अलग कांग्रेस बनाती जिसका नाम था बॉम्बे कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस बोली कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी कांग्रेस को डिवाइड करेंगे, तो उसने एक बनाई मराठी कांग्रेस यानी महाराष्ट्र कांग्रेस उस जमाने में, और एक बनाई गुजरात कांग्रेस। तो इससे लोगों को कांग्रेस में विश्वास आया कि भाई अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंस जीत जाती है ब्रिटिशर्स से तो कांग्रेस हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना देगी, ठीक है। लेकिन ये जो लोगों का भरोसा था कि जो कांग्रेस है वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाएगी, ये भरोसा जल्दी तोड़ देती है कांग्रेस। जैसे ही कांग्रेस को 1947 में आज़ादी, मतलब जैसे ही इंडिया को 1947 में आज़ादी मिलती है, जो कांग्रेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इस बात से मना कर देती है कि हम भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनाएंगे। अब इस बात पे मना क्यों किया? क्योंकि भाई उस जमाने में जो लीडर्स थे उन्हें बहुत सारी चिंता सता रही थी। क्या सता रही थी? वो बोले कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ पार्टी, तो उनके मन में डर बैठ गया कि भाई अगर हमने स्टेट्स को डिवाइड करा लैंग्वेज के बेसिस पे, कि भाई मराठी लैंग्वेज वालों की महाराष्ट्र बना दी, गुजराती वालों की गुजरात बना दी, हरियाणवी वालों की हरियाणा बना दिया, पंजाबी वालों को पंजाब बना दिया, तो अब क्या पता ही आपस में लड़ने लग जाए और कल को बोले कि हम महाराष्ट्र वाले अलग होना चाहते हैं इंडिया से, गुजरात वाले अलग होना चाहते हैं, और क्या पता देश में बहुत सारे पार्टीशन हो जाए। इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो डर गए, उन्हें डर था कि भाई देश का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने का, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाना नहीं चाहा। इसके पीछे दूसरा कारण भी था, पहला तो ये था कि भाई देश डिसरप्ट हो जाएगा, दूसरा कारण ये था कि भाई इससे जो सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं देश के, उस टाइम पीरियड पे जो देश था वो बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहा था। जैसे कि भाई सोशल चैलेंजेस क्या हो गए उस टाइम पीरियड पे, भाई हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी देश में। तो ये जितने भी सोशल चैलेंजेस थे वो, और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे कि भाई देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो इन सब चैलेंजेस से ध्यान हट जाता हमारा अगर हम स्टेट्स बनाने पे ध्यान देते। तो पहले हमें इन्हें ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि स्टेट्स बनानी है कि नहीं। और इन कारणों को सामने रख के जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने बोला हम पोस्टपोन कर रहे हैं किस फैसले को, स्टेट्स बनाने के फैसले को लैंग्वेज के बेसिस पे। उसके बाद छोटे मोटे दो तीन और फैक्टर्स बता रखे हैं जिनसे स्टेट्स बनाने का फैसला पोस्टपोन हुआ। पहला था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स का जो फेट था यानी कि उनका जो भविष्य है कि वो किसकी तरफ जाएंगी, इंडिया में जाएंगी या फिर पाकिस्तान में आएंगी या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगी, तो ये जो फेट था उनका कि इंडिया में जाएंगी पाकिस्तान में जाएंगी, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ था। 1947 के बाद भी बहुत सारी स्टेट्स थी जो कि डिसाइड नहीं हुई थी, जैसे कि कश्मीर हो गई, उसके बाद जूनागढ़ उसके बाद हैदराबाद हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया। तो ये चार स्टेट्स जो थी इनका डिसाइड नहीं हुआ था कुछ भी कि भाई ये इंडिया में है, इंडिपेंडेंट है या पाकिस्तान में। इसलिए इंडियन लीडर्स बोले कि हम पहले इन पे ध्यान दे देते हैं, उसके बाद तुम्हारी स्टेट्स बनवाएंगे।
और एक और फैक्टर क्या था, एक और यही वाला था कि भाई पार्टीशन जो था उसकी यादें ताजा थी, तो लीडर्स को बहुत डर लग रहा था। ठीक है, उसके बाद अब एक सवाल आता है कि जब पोस्टपोन कर दिया हमारे लीडर्स, हमारे लीडर्स ने स्टेट्स बनाने का जो उनका प्रोसेस था उसे पोस्टपोन कर दिया, तो अब इस पोस्टपोन को चैलेंज नहीं कर रहा लोकल लीडर्स कि जो पॉपुलेशन है या इंडिया की जो पीपल है इंडिया वी द पीपल इंडिया, तो लोगों ने क्या इस पोस्टपोन को चैलेंज नहीं करा? क्योंकि भाई 1920 में कांग्रेस ने अपने शासन में कहा था कि हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाएंगे, और फिर 1947 यानी कि 27 सालों तक ये वादा करते रहे और 27 माते मना कर दिया, तो भाई लोगों में गुस्सा तो आएगा, तो वो गुस्सा किस फॉर्म में निकला? तो बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं लोगों के द्वारा, और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट होता है कहाँ पे, सबसे पहला प्रोटेस्ट होता है तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में, जिन एरिया में तेलुगु भाषा बोली जाती थी उन एरियाज में, तो आज के टाइम पे तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो समझ जाओ आंध्र प्रदेश का जो एरिया था उस एरिया में सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए कि हमारी स्टेट बना दो तेलुगु बोलने वाली। ठीक है, उस जमाने में उस एरिया को बोला जाता था मद्रास प्रोविंस। ठीक है, मैप पे देखोगे तो आज के टाइम पीरियड का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु उसका बहुत बड़ा एरिया, उसके बाद आंध्र प्रदेश उसका बहुत बड़ा एरिया, उसके बाद केरला का जो नदर एरिया है वो भी उसमें था, और कर्नाटका का थोड़ा बहुत एरिया था, तो ये सारा एरिया मिला के कर्नाटका का थोड़ा बहुत एरिया था बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, तो ये सारा एरिया मिला के मद्रास प्रोविंस बनाता था। तो अब देखो इसमें एक चीज, जो तमिलनाडु है वो है तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग, आंध्र प्रदेश में कौन आते हैं तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले, कर्नाटका में कौन आते हैं कन्नड़ लैंग्वेज बोलने वाले, केरला में कौन आते हैं मलयालम लैंग्वेज बोलने वाले। तो अब चार लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रह रहे थे जिसका नाम था मद्रास। तो भाई तेलुगु वाले लोगों को गुस्सा आया कि भाई जो हमारी स्टेट है तेलुगु की एक अलग स्टेट बनाई जाए तेलुगु वाले लोगों की, और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश उस जमाने में था नहीं, उस जमाने में सिर्फ मद्रास प्रोविंस। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इस प्रोटेस्ट को कहा जाता था विशाल आंध्रा मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि कोई भी आंदोलन, विशाल यानी कि बड़ा, और आंध्रा यानी कि जो आंध्र प्रदेश है उसके लिए, यानी कि वो एक आंध्र प्रदेश की स्टेट डिमांड कर रहे थे इसके लिए। ठीक, इस मूवमेंट के द्वारा। फिर उसके बता रखा कि जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया था मद्रास में उस टाइम पीरियड पे, तो उसमें जितनी भी पॉलिटिकल फोर्स यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सब पार्टी जिसके फेवर में थी, यहाँ तक कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ब्रांच थी आंध्र प्रदेश की ब्रांच, वो भी इसके फेवर में थी, वो भी चाहती थी कि भाई हमें एक अलग स्टेट बना के। उनके जो लोकल लीडर्स थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे मेन कांग्रेस के खिलाफ, जो नेहरू जी की कांग्रेस थी उस टाइम पीरियड पे सेंटर पे गवर्नमेंट पे, ठीक है, उसके खिलाफ। ठीक है, फिर ये मूवमेंट बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता रहा, लेकिन जो सेंटर गवर्नमेंट थी, सेंटर गवर्नमेंट, उन्होंने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया कि भाई उन्होंने कोई अलग स्टेट बनाने का, आंध्र प्रदेश बनाने का फैसला किया, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, कोई भी बातचीत करने की कोशिश नहीं करी, बस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी। और इस सब की वजह से जो मूवमेंट था, जो आंध्र प्रदेश का जो मूवमेंट चल रहा था अब तक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई काम नहीं कर रही थी, तो मूवमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही, लोगों के मन में गुस्सा आ गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, तो उन्होंने और ज़ोर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट था वो और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, फिर उसमें हमारे एक मेन प्लेयर है, उनकी एंट्री होती है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पोटी श्री रामुल्लू। तो पोटी श्री रामुल्लू नाम के एक व्यक्ति थे, बड़े पॉलिटिशियन थे, आंध्र प्रदेश में इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है आज भी। तो पोटी श्री रामुल्लू नाम के एक व्यक्ति थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लीडर थे, और इन्होंने ही प्रोटेस्ट स्टार्ट करा, और ये गांधीयन भी थे, गांधीयन, वेटरन गांधीयन लिखा हुआ है। वेटरन किसी भी उस इंसान को बोलते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, गांधीयन उस इंसान को बोलते हैं जो कि प्रोटेस्ट वगैरह, लड़ाई वगैरह ना करे, नॉन वायलेंस करे, यानी कि फास्ट वगैरह रखे। तो ये भी फास्ट रखने वाले बंदे थे गांधी जी की तरह, ये उस तरह के बंदे नहीं थे कि भाई लड़ाई कर दी, दंगे कर दिए और अपनी बात मनवा ली, ये गांधी की तरह नॉन वायलेंस या फिर फास्ट वगैरह करके अपनी बात मनवाते थे, वेटरन गांधीयन लीडर थे। ठीक है, फिर उसके बाद इनको जो वेटरन गांधीयन बोला गया है, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस बताया गया है कि भाई एक्सपीरियंस कैसे आया। तो ये भाई 1920 में जो सोल्ट सत्याग्रह था, अंग्रेज़ों के खिलाफ सोल्ट सत्याग्रह करा था किन्होंने? गांधी जी ने। तब गांधी जी ने जो सोल्ट सत्याग्रह करा था 1920 में, उस सोल्ट सत्याग्रह के मेंबर भी थे, पार्टिसिपेंट भी थे पोटी श्री रामुल्लू। कैसे करा था उन्होंने पार्टिसिपेट? उस ज़माने में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उस ज़माने में ब्रिटिशर्स की थी, उसके अंडर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उस ज़माने में गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी पोस्ट होती थी कि भाई
उस ज़माने में इंडिया बहुत गरीबी में था, तो ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे थे उन्हें बढ़िया फैसिलिटी वगैरह देते थे, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ना बड़ी चीज़ होती थी। तो जो पोटी श्रीरामुलु थी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और उसके बाद मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। मूवमेंट में पार्टिसिपेट गवर्नमेंट जॉब छोड़ के क्यों करा, क्योंकि उस ज़माने में गवर्नमेंट जॉब का कोई भी बंदा अगर पार्टिसिपेट करता था किसी सत्याग्रह वगैरह में जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता था, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब वैसे ही छीन लेते थे। तो ये पहले ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद बता रखे हैं इन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल सत्याग्रह भी रखे हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या होते हैं, वो सत्याग्रह जिनको इन्होंने खुद लीड करा है। जैसे जो सोल्ट सत्याग्रह था वो तो गांधी जी ने लीड करा था, इन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट करा था। इन्होंने खुद के भी बहुत सारे सत्याग्रह रखे हैं, जैसे कि पहला सत्याग्रह जिसके बारे में बताया गया है वो है इन्होंने 1946 में रखा था। कहाँ पे, मद्रास में ही रखा था, क्योंकि मद्रास के थे। और मद्रास में किस चीज़ के खिलाफ रखा था, दलित टेम्पल एंट्री के खिलाफ। दलित लोगों को उस ज़माने में क्या था, टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी। जो दलित लोग थे उन्हें ब्राह्मण वगैरह जो अपर कास्ट लोग होते थे वो टेम्पल्स में एंट्री नहीं देते थे कि भाई ये लोअर कास्ट है मंदिर में नहीं घुसने देंगे। तो भाई पोटी श्रीरामुलु जो हमारे हीरो हैं इस मूवमेंट के, उन्होंने भाई फास्ट रखा, फास्ट अप टू डेथ, कि भाई या तो तुम इन दलित को अंदर घुस जाने दो वरना मैं फास्ट पर बैठा हूँ मैं मर जाऊँगा, ठीक है। तो इस वजह से दलित को टेम्पल में एंट्री मिली थी, उनका एक महान कार्य था मद्रास में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रह जो उनका बता रखा है वो यही वाला बता रखा है जो इस मूवमेंट में होगा। आंध्र प्रदेश की मूवमेंट के दौरान, आंध्र प्रदेश की मूवमेंट जो थी विशाल आंध्र मूवमेंट, तो उस मूवमेंट के दौरान जो पोटी श्रीरामुलु थे वो फास्ट पे बैठे थे। वो फास्ट पे बैठे थे कि या तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारी बात मान ले और एक आंध्र प्रदेश की स्टेट बना दे, अगर वो नहीं मानेगी तो मैं फास्ट पे बैठ रहा हूँ और मैं अप टू डेथ तक बैठ रहा हूँ कि जब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमारी बात नहीं मानेगी, मैं बैठा हुआ हूँ फास्ट पे बैठा हुआ हूँ और मैं जब तक नहीं खाऊंगा तब तक वो बात नहीं मानेगी और मेरी जान भी जा सकती है इस चीज़ में। तो वो फास्ट पे बैठे थे 1952 और इस टाइम पीरियड पे फास्ट पे बैठे थे और वो कई महीनों तक फास्ट पे बैठे रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती रही कि भाई ये थोड़ी देर मार मान जाएगा, रोटी खा लेगा, कुछ नहीं होएगा। और भाई उन्होंने जैसा कहा था कि मेरी डेथ हो सकती है और उनकी डेथ हो गई 15 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो गई। किस लिए डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने भाई फास्ट पे बैठे थे और उनकी जो आंध्र प्रदेश की स्टेट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बना के दी थी, तो उनकी डेथ हो गई। और इस वजह से जो आंध्र प्रदेश था, जो उस टाइम पीरियड का जो मद्रास प्रोविंस का जो एरिया था, उसमें बहुत तगड़े प्रोटेस्ट होने लग गए कि भाई जो हमारा लीडर है पोटी श्रीरामुलु वो डेथ, उसकी डेथ हो गई, तुम अब भी आंध्र प्रदेश की स्टेट नहीं बना रहे हो, कितना अहंकार है तुम्हें। तो इस बात पर जो आंध्र प्रदेश था उसमें बहुत सारे वॉयलेंट आउटबर्स्ट होने लग गए, वॉयलेंट लड़ाई होने लग गई पुलिस और लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा जगह पे लोगों ने स्ट्रीट्स में आके हमले करे, पत्थर वगैरह फेंके, और जो पुलिस है वो भी फायरिंग करने लग गई। और ये सब जो चीज़ें थी ये 15 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई थी, यानी कि जिस तारीख पे पोटी श्रीरामुलु की डेथ हुई थी, पोटी श्रीरामुलु की डेथ हुई थी और उसी तारीख पे, तो उसी तारीख के बाद से दिसंबर में राइड्स होने लग गए हर जगह आंध्र प्रदेश में। तो ये सब देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेना पड़ा और नेहरू जी की जो सरकार चल रही थी उस टाइम पीरियड पे, उन्होंने आंध्र प्रदेश की स्टेट बना दी दिसंबर 1952 में ही, ठीक है। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हो जाती है एक प्रोटेस्ट के द्वारा। अब भाई एक स्टेट बन गई कि भाई आंध्र प्रदेश की स्टेट बन गई, तो अब बाकी जो लोग थे, जो तमिलनाडु के लोग थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि मद्रास से हमारे तमिलनाडु अलग निकालो। उसमें जो केरला के लोग थे वो भी बोले कि हमारा केरला अलग बनाओ। पंजाब के लोग थे वो भी बोले कि हमारा पंजाब अलग बनाओ हरियाणा से। हरियाणा वाले भी बोले, हिमाचल प्रदेश के लोग भी बोले, फिर ऐसे ही गुजराती लोग भी बोले, मराठी लोग भी बोले, पूरे इंडिया में होड़ मच गई। सारे लोग अपनी अपनी स्टेट्स मांगने लग गए, प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होने लग गए। वो सोचे कि भाई आंध्र प्रदेश बना दे तुम्हारे बना देंगे। तो ये सब देख के नेहरू जी ने इन सबको शांत करा और बोला कि मैं कमीशन बिठा रहा हूँ। कमीशन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जिसमें 5-6 पढ़े लिखे बंदे होते हैं और वो पूरे इंडिया में घूम के कोई काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ऐसे ही कमीशन था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया नेहरू जी ने, कब बनाया ये बनाया था 1953 में। तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बनाया नेहरू जी ने, और ये किस लिए बनाया, ताकि जो स्टेट्स थी हमारी जितनी भी डिमांड करने लगी थी, नहीं हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये सब जो लोग डिमांड कर रहे थे इन सब की डिमांड्स को स्टडी करना था और फिर बाउंड्रीज बनानी थी कि भाई किस स्टेट को कितनी बाउंड्री बनेगी। जैसे कि हरियाणा वाले लोग हैं वो बोलने लग जाए कि भाई पंजाब का हिस्सा, इतना हिस्सा हमारा आएगा, और फिर पंजाब वाले लोग हैं नहीं भाई इतना हिस्से हमारा आएगा और इतना
इतना सिर्फ तुम्हारा आएगा, तो इनके आपस में लड़ाई मच जाएगी। तो इससे बढ़िया है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लोग हैं वो उधर जाएंगे, वो उधर देखेंगे कि भाई पंजाबी बोलने वाले कितने लोग हैं या फिर हरियाणवी बोलने वाले कितने लोग हैं, उस हिसाब के बेसिस पे बाउंड्री बनाई जाएगी। तो ये जो काम था ये सारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का था, इसलिए 1953 में उसे बनाया गया नेहरू जी के द्वारा, और इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, याद रख लेना, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन इसलिए क्योंकि इसके हेड का नाम भी फजल अली था, वो लॉ के फील्ड में बहुत पहुंची हुई चीज़ थे, पूरे वर्ल्ड में उनका बोलबाला था, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, फिर अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट निकाल दी, 1953 में बना था, 1955 में अपनी रिपोर्ट निकाल दी, और इस रिपोर्ट में बताया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बननी चाहिए और उनकी बाउंड्रीज भी बता दी। ठीक है, बाउंड्रीज भी बता दी। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी नेहरू जी के द्वारा जो लीड की गई थी, अब रिपोर्ट आ गई तो उस पर काम भी करना पड़ेगा, तो उन्होंने काम करने के लिए एक एक्ट लेके आए जिसे बोला गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये तो सिर्फ रिपोर्ट थी, इसमें अमल में लाना है नहीं लाना है, इसको फॉलो करना है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तो इसको फॉलो करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसे बोला गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और ये लाया गया 1956 में। और इस एक्ट के द्वारा क्या चीज़ हुई, इस एक्ट के द्वारा हमारे जो इंडिया है उसमें लैंग्वेज के बेसिस पे पहली बार स्टेट्स बना दी गई। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना दी गई, और इंडिया में उस टाइम पीरियड पे कितनी स्टेट्स हो गई, 1 नवंबर 1956 को बनाई गई ये स्टेट्स, और कितनी स्टेट्स हो गई, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरी हैं। अभी कैसे हुई हम इसी वीडियो में लास्ट में जानेंगे, पहले एक बार ये देख लो कि अभी जो स्टेट्स बन गई थी इनके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी इनसे और इनके आउटकम्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसर्न्स बताए गए हैं कि जो उस ज़माने में हमारे लीडर्स थे उनके क्या क्या कंसर्न्स लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर। तो उनके कंसर्न्स थे कि भाई उनको डर लग रहा था कि जो हमारी यूनिटी है वो एंडेंजर हो जाएगी इन स्टेट्स के द्वारा, कि अगर हमने स्टेट्स बना दी तो हरियाणा वाले पंजाब वालों से लड़ेंगे और फिर क्या पता कोई से इंडिपेंडेंट होने की मांग रख दे, तो ये यूनिटी हैम्पर हो जाएगी, इसका एक डर था लीडर्स के मन में। ठीक है, फिर उसके बाद एक और डर था कि भाई इससे सेपरेटिज्म बढ़ जाएगा, कि कोई भी बंदा ऐसे नहीं सोचेगा कि हम इंडिया के बंदे हैं, और वो पहले ही सोचेंगे कि हम हरियाणवी हैं पहले, हम पंजाबी हैं पहले, हम महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी हम पहले, तो इससे सेपरेटिज्म बढ़ जाएगा, ये लीडर्स के मन में एक डाउट था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये प्रेशर भी क्रिएट करेगा हमारे इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि भाई अब ये जो सेपरेटिज्म बढ़ गया, यूनिटी ख़राब हो गई, तो इंडिया पे प्रेशर आएगा कि इन सब चीज़ों को सोल्व करे। तो इन सब चीज़ों की वजह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने का ना फैसला लिया था, ना बनाने का फैसला लिया था लीडर्स ने, लेकिन अब प्रोटेस्ट वगैरह हो गए तो उन्हें बनाना पड़ा। तो बना दिया तो उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशन रखी होंगी कि भाई अब तो हमने बना दिया, अब कुछ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि भाई काश ये स्टेट्स ये ना करें हमसे, हमारे साथ। ठीक है, तो कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन रखी गई, इनमें से ये था कि लीडर्स ने बोला कि अब तक हमें स्टेट्स धमकी दे रही थी कि या तो हमारी स्टेट्स बना दो या फिर हम अलग हो जाएंगे, सेपरेटिज्म की धमकी दे रही थी। तब क्या पता सेपरेटिज्म घट जाए, सेपरेटिज्म जो है वो घट जाए, ऐसा हमारे लीडर्स ने सोचा। और एक और उन्होंने चीज़ यह सोची कि जो हमने स्टेट्स बनाने का फैसला लिया है, भले ही हमने प्रेशर में लिया हो, लेकिन ये अच्छा फैसला है क्योंकि इससे रीजनल डिमांड्स को हमने एक्सेप्ट करा है, रीजनल डिमांड्स को हमने एक्सेप्ट करा है, और रीजनल डिमांड्स डेमोक्रेसी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक्सेप्ट की जाती है। ये चीज़ सोच के उन्होंने सोचा कि ये डेमोक्रेटिक फैसला है क्योंकि इसमें रीजनल डिमांड्स को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये दो चीज़ एक्सपेक्ट रखी गई थी कि या तो सेपरेटिज्म घट जाएगा, और एक ये चीज़ रखी गई थी भाई ज़्यादा डेमोक्रेटिक फैसला है हमारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन चीज़ पे जो कि है आउटकम, कि भाई अब तो स्टेट बन गई तो आउटकम क्या निकल के आता है। तो ये बता रखा है कि जो आउटकम था इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से इंडिया की जो पॉलिटी थी, पॉलिटी वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, ड्रास्टिक चेंज आ जाता है इसमें। अब वो चेंज कैसे आता है वो अब इस टॉपिक में जानते हैं। ठीक है, पहला चेंज ये आता है कि जो पहले ज़माना था उसमें क्या था, मद्रास प्रोविंस था, मान लो एग्जांपल से समझा रहा हूँ, मद्रास प्रोविंस में तमिल लोग भी आते थे, तेलुगु लोग भी आते थे, मलयालम बोलने वाले लोग भी आते थे। तो अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो अब जो लीडर होगा, जो पॉलिटिशियन होगा, जो मान लो मद्रास का कोई लीडर बनना चाहता है, तो अब वो तीनों जगह के लोग ही इधर आ गए, तो अब वो अगर भाषण देगा तमिल में देगा तो तेलुगु वालों को समझ नहीं आएगा, मलयालम वालों को समझ नहीं आएगा, तेलुगु में देगा तो तमिल वालों को नहीं आएगा, मलयालम वालों को नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ लोग छूट जाते थे, इसलिए उन्हें भाषण देना पड़ता था इंग्लिश में। अब इंग्लिश ये तीनों लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए इन तीनों को समझ आ जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही पॉलिटिक्स में जा पाते थे। यानी कि जो पॉलिटिक्स थी उस ज़माने की,
क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं थी, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग एक ही एरिया में आते थे, इसलिए उस जमाने की पॉलिटिक्स वो इंग्लिश स्पीकिंग लोग कंट्रोल करते थे, इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट। उस जमाने में इंग्लिश भी सिर्फ अमीरों को आती थी, तो इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग लोग ही पॉलिटिक्स कंट्रोल कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब तमिल वालों की अलग स्टेट बन गई तमिलनाडु, तेलुगु वालों की आंध्र प्रदेश अलग बन गई आंध्र प्रदेश। तो अब एक चीज़ देखने को आई कि अब तमिलनाडु में सब लोग तमिल समझ सकते हैं, तो जो लीडर होगा वो तमिल बोलने वाला होगा, ना कि इंग्लिश बोलने वाला, जिससे जो लोकल पीपल हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती तमिल लैंग्वेज आती है वो आराम से सक्सेस हो सकते हैं पॉलिटिक्स में। आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट हैं, अब उधर इंग्लिश बोलने वाले की जगह तेलुगु बोलने वाले लोग आएंगे, यानी कि लोकल लीडर ज़्यादा आएंगे। तो इससे ये देखा गया कि जो पावर थी अब वो लोकल पीपल्स के पास आ गई थी रेदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब जो इंडियन स्टेट्स थी उनको ड्रॉ करने के लिए एक यूनिफॉर्म बेसिस मिल गया था। यूनिफॉर्म बेसिस, वो बेसिस था लैंग्वेज का बेसिस, यानी कि अब लिंग्विस्टिक स्टेट जो थी वो सक्सेस हो गई थी। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाना, ये सक्सेस हो गई थी। तो आगे कोई भी स्टेट बनानी होती थी वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनानी जाएगी, एक हमें यूनिफॉर्म बेसिस मिल गया, ठीक है। तीसरा ये था कि भाई इससे यूनिटी ख़राब नहीं हुई, यानी कि लीडर्स ने एक्सपेक्ट करा था स्टार्टिंग में कि भाई यूनिटी ख़राब हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा देश सेपरेटिज्म में बढ़ जाएगा और फिर हमारा देश जो है बढ़ जाएगा वो करके रहे, ये सब उन्होंने सोचा था। लेकिन अब यूनिटी ख़राब होने की वजह यूनिटी बढ़ गई, यूनिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। और जो नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात थी कि भाई नेशन एक साथ रहेगा कि नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद देख आखिरी आउटकम ये आता है कि जो इंडिया ने जितनी भी स्टेट्स थी लैंग्वेज के बेसिस पे इन स्टेट्स को बनाया, इससे लोगों के पास एक पॉजिटिव मैसेज गया कि जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार है, कि ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया सिर्फ हिंदी वाले लैंग्वेज के लोगों का है, ऐसे ही बिल्कुल भी बात नहीं है। इंडिया तमिल वालों का भी है, तेलुगु वालों का भी है, मलयालम वालों का भी है, मणिपुरी लैंग्वेज बोलने वालों का भी है, डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करता है इंडिया, ये चीज़ मान ली गई, ठीक है। तो ये चार आउटकम थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के। पहला आउटकम था कि लोकल लोग जो कि लोकल लैंग्वेज बोलते थे उनके पास भी पॉलिटिक्स की पावर चली गई थी। दूसरा आउटकम था एक यूनिफॉर्म बेसिस मिल गया है। तीसरा आउटकम था कि यूनिटी बढ़ गई है घटने की बजाय। तीसरा आउटकम था कि हमने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आगे एक छोटा सा सब टॉपिक दे रखा है क्रिएशन ऑफ स्टेट्स। तो 1956 में जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके तहत बहुत सारी स्टेट्स बनाई गई थी, उसके बाद हमारे पास 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन आज के ज़माने में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये जो चेंज आया है कि भाई 14 स्टेट्स बढ़ गई और 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई है आज के टाइम पीरियड पर, ये चेंज कैसे आया है? तो बहुत सारी नई नई स्टेट्स बनी होंगी, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो वो इस टॉपिक में जानेंगे कि नई नई स्टेट्स कैसे बनी, ठीक है। सबसे पहले ये बता रखा है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसके मतलब ये नहीं है कि जो जितने भी जो लोग थे, जितने भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सब की डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई। कुछ ही लोगों की एक्सेप्ट की गई, कुछ लोगों की जो डिमांड थी उन्हें साइडलाइन करके साइड में कर दिया उनकी डिमांड्स को। और दो लैंग्वेज की एक स्टेट बनाने वाला एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे बोला गया था बायलिंगुअल स्टेट्स। तो बायलिंगुअल स्टेट्स का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जिसमें कि दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। जैसे कि जो बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे स्टेट को वैसा को वैसा रहने दिया, उसे अलग से नहीं बनाया गया। और बॉम्बे स्टेट में दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, गुजराती लोग और मराठी लोग। तो इनके अलग अलग स्टेट्स नहीं दी गई और 1956 के बाद भी नहीं दी गई, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया था कि भाई अलग अलग स्टेट बनाएंगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा, तो इनको दो को एक ही दे देते हैं, क्या पता थोड़े टाइम तक साथ रह ले, नहीं रहेंगे तो उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। और ऐसा ही एक बायलिंगुअल स्टेट का एक्सपेरिमेंट किया था पंजाब के साथ। पंजाब में पंजाब वाले लोग थे, हरियाणा वाले जो हरियाणवी लैंग्वेज के लोग थे वो थे, और हिमाचल प्रदेश के लोग थे, ठीक है। तो इसमें अभी यही चीज़ थी, मल्टीपल लैंग्वेज के लोगों को एक स्टेट दे दी गई थी। तो अभी एक्सपेरिमेंट था कि भाई लोग एक साथ रहते हैं कि नहीं साथ बना के, लेकिन लोग नहीं रहते, लोगों ने वापस प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और ये जो गुजराती और मराठी लैंग्वेज वालों का प्रोटेस्ट था, ये 1960 में स्टार्ट हो गया था भयंकर तरीके से। और 1960 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई ये हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और इसलिए हमें अलग अलग स्टेट बनानी पड़ेंगी। एक स्टेट बना दी गुजरात और एक बना दी महाराष्ट्र बॉम्बे प्रोविंस को तोड़ के। तो गुजरात बन गई हमारी 15th स्टेट, ठीक है। तो एक तो हमारी 15th स्टेट हो गई 14 से 15th,
अब हम जानते हैं आगे और स्टेट्स कैसे बनी। 1963 में नागालैंड नाम की एक अलग स्टेट बनाई जाती है आसाम से हटा के। उस ज़माने में क्या था, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आज के ज़माने में 7 स्टेट्स हैं, उस ज़माने में एक दो ही हुआ करती थी। मोस्टली जो एरिया था वो आसाम के अंडर में आता था और एक आध यूनियन टेरेटरी थी, इकलौती स्टेट थी आसाम, ठीक है। तो इस आसाम के अंडर आता था नागालैंड का एरिया। नागालैंड के जो लोग थे नागा पीपल्स, उन्होंने भाई गुस्से में भाई प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए भयंकर वाले, और फिर उसके बाद 1963 में नागालैंड को अलग स्टेट बनाया गया आसाम से निकाल के, ठीक है। तो नागालैंड बन गई हमारी 16th स्टेट गुजरात के बाद। फिर मैंने बताया था कि जो पंजाब वाला एरिया था वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को रखा गया था। पंजाबी वाले पंजाब के एरिया में आते थे और हिंदी वाले आज के टाइम पीरियड पे जो हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है वो एरिया में आता था। तो हिंदी ऐसा कोई अलग ना समझे, हरियाणवी हिंदी में ही आती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में हिंदी बोली जाती थी और पंजाब में पंजाबी, तो इन्होंने भी डिमांड रखी अलग होने की, और 1966 में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। 1966 में पंजाब अलग कर दिया, हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया, हरियाणा अलग कर दिया, हरियाणा को एक स्टेट बना दिया गया। और कब बनाया गया, 1966 में, और ये 17th स्टेट बन गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश को स्टेट की जगह यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब दिया गया, स्टेटहुड की वजह से स्टेट बना दिया, और स्टेट बनाया गया 1971 में। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश हमारे इंडिया की 18th स्टेट बन गई। ये सब चीज़ें याद रखने की नहीं है, मैं वैसे उन बच्चों को बता रहा हूँ जिन्हें भाई क्यूरियोसिटी होती है जानने की भाई हम 14 से लेकर 28 स्टेट कैसे बने, तो मैं बारी बारी गिनवा रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखने की नहीं है, मेजरली ये याद कर लेना कि पंजाब में दो लोग थे, हिंदी वाले पंजाबी वाले, फिर इन्हें अलग अलग कर दिया गया 1966 में, इतना याद रखना। ये सब याद मत रखना कि भाई 17th ये बना 18th ये बना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो आज के टाइम पीरियड का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उसका वापस से रीऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो आसाम है उसमें से मेघालय को अलग कर दिया जाता है। मेघालय उस टाइम पीरियड पे जो मेघालय था वो भी आसाम में ही आता था। मेघालय को एक अलग स्टेट बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है, 1972 में, और ये बन जाता है हमारा 19th स्टेट, ठीक है। उसके बाद आसाम में से ही बहुत सारे और एरिया निकलते हैं स्टेट्स बन के, उनका नाम था मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर उस जमाने में एक यूनियन टेरेटरी था, आसाम से अलग ही था, लेकिन उसे स्टेटहुड दे दिया गया 1972 में, और जो मणिपुर था वो हमारा बन गया 20th स्टेट। त्रिपुरा आसाम में एक एरिया था, उसे एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1972 में ही, और ये बन गई हमारी 21st स्टेट, ठीक है। उसके बाद आसाम में से ही दो स्टेट और निकाली जाती हैं, जिनका नाम था, एक का नाम था अरुणाचल प्रदेश और एक का नाम था मिज़ोरम। तो अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, इन दोनों को एक अलग अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 1987 में, और एक स्टेट बन गई हमारी 22nd और एक स्टेट बन गई 23rd। तो 23 स्टेट्स अभी तक बन चुकी हैं, 5 स्टेट रह रही हैं, वो भी अभी जानते हैं कौन कौन सी बनेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ रखा है कि जो स्टेट्स बनाने का जो तरीका था, अभी तक हम देख रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बन रही थी, कि ये जो मणिपुर अलग हुआ इसमें मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती थी, मिज़ोरम के जो मिज़ो लोग थे उनकी लैंग्वेज अलग थी, नागालैंड के जो नागा लोग थे उनकी लैंग्वेज अलग थी। तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स का डिवीज़न हो रहा था वो हो रहा था, पंजाब में भी, हरियाणा भी और पंजाबी के बीच में लैंग्वेज डिवीज़न पे स्टेट्स बनी। लेकिन अब एक नया तरीका आता है स्टेट्स डिवीज़न का, वो क्या था, वो था रीजनल कल्चर। तो रीजनल कल्चर और रीजनल इम्बैलेंस के बेसिस पे भी स्टेट्स बनने लग गई, रीजनल इम्बैलेंस के बेसिस। यानी कि मान लो कोई स्टेट है, जैसे कि 3 एग्जांपल दिए गए हैं, वो क्या क्या थे, जैसे कि एक है छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दे रखा है। तो छत्तीसगढ़ के अलग स्टेट बन गई थी किससे निकाल के, एमपी से निकाल दी गई थी। एमपी एक बड़ी स्टेट थी उस ज़माने में, और एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। कब, 2000 ईयर में, ठीक है। फिर उसके बाद जो उत्तराखंड आज के ज़माने का, उस ज़माने में वो एक अलग स्टेट नहीं थी, वो यूपी का पार्ट थी, और उत्तराखंड को भी अलग कर दिया गया था 2000 में, ठीक है। और फिर एक और जो पार्ट था झारखंड, तो झारखंड जो पार्ट था उसको भी बिहार से अलग किया गया था। और आज के ज़माने में झारखंड एक स्टेट है, उत्तराखंड एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, उस ज़माने में एमपी, यूपी और बिहार का पार्ट थे। तो झारखंड बिहार से अलग किया गया 2000 में ही। अब इनके पीछे के रीज़न जानते हैं। तो झारखंड वाले लोगों का कहना था कि भाई हमारा जितना भी माइनिंग का एरिया है, झारखंड में माइनिंग वगैरह होती है, तो इनका कहना था हमारा माइनिंग का जितना भी एरिया है उधर से ये माइंस वगैरह में से सामान निकालते हैं,
सारे मिनरल्स निकालते हैं और बिहार को फ़ायदा पहुँचता है, हमें तो फ़ायदा पहुँच ही नहीं रहा। हमारी इकोनॉमी कम होती जा रही है और बिहार की बढ़ती जा रही है। तो इनको गुस्सा आया कि भाई हमारे एरिया का सारा सामान निकल के बिहार वाले फ़ायदे ले रहे हैं, तो हमें एक अलग बनाओ, इधर से सारी लिंक तोड़ दो और हम अपना डेवलपमेंट खुद करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हुआ रीज़न रीजनल इम्बैलेंस का, ठीक है, इम्बैलेंस आ रहा था झारखंड और बिहार के बीच में। उसके बाद उत्तराखंड और यूपी का, उत्तराखंड और यूपी में क्या सिस्टम था, जो यूपी था वो प्लेन एरिया था, आपको पता होगा यूपी एक प्लेन एरिया की कैटेगरी में आता है, लेकिन उत्तराखंड एक हिली एरिया है। तो इन दोनों का जो कल्चर होगा, उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग हैं उनका कल्चर अलग होगा, प्लेन वाले लोग जो यूपी के उनका कल्चर अलग होगा। तो इनको गुस्सा आया कि भाई हमारा कल्चर अलग है, हमें अलग करो, तो उत्तराखंड को अलग कर दिया। तो जो उत्तराखंड बना है ये बना है रीजनल कल्चर के बेसिस पे, कि भाई एक हिल का था और एक प्लेन का था, ठीक है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश निकल गया था, ये किसने निकला था, ये रीजनल इम्बेलेंस की वजह से निकला था। मध्य प्रदेश के जो लोग थे उनको फ़ायदा पहुँच रहा था छत्तीसगढ़ की माइनिंग एरियाज से, छत्तीसगढ़ में माइन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वाले लोगों को गुस्सा आया और 2000 में वो लागू हुए, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ बन गया 24th स्टेट, उत्तराखंड बन गया 25th स्टेट, झारखंड बन गया 26th स्टेट, ठीक है। 26 स्टेट बन गई, हम दो और जानते हैं जो कि रह गई है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है आज के ज़माने का, जिसको मद्रास में से निकाल के बनाया गया था 1952 दिसंबर में, जो पोटी श्री रामुल्लु नाम के जो लीडर थे इनके, जो कि फास्ट में उनकी डेथ हो गई थी, तो उस बेसिस पे बनाया गया था 1952 में आंध्र प्रदेश। तो इस आंध्र प्रदेश के बीच दो स्टेट बन जाती हैं, एक आंध्र प्रदेश ही रहता है और एक तेलंगाना बन जाता है। तेलंगाना का जो रीज़न था अलग होने का वो भी यही था, रीजनल इम्बेलेंस। उनका कहना था कि भाई तेलंगाना वाले लोगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है, सारी डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में होती है, तेलंगाना वाले लोगों को भुला दिया है, तो इस वजह से हमें एक अलग स्टेट चाहिए। तेलंगाना को अलग स्टेट दे दी गई, कब दी गई, 2014 में, ठीक है। तो ये बन जाती है हमारी 27th स्टेट। उसके बाद में एक और स्टेट का बता रखा है, गोवा। गोवा जो हमारी यूनियन टेरेटरी थी एक ज़माने में, ये यूनियन टेरेटरी क्यों थी, क्योंकि जो गोवा था वो स्टार्टिंग में जो आपको पता हो पुर्तगीज़ जो लोग थे, पुर्तगाल से आने वाले लोग, उन लोगों ने गोवा पे कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। तो उन लोगों को पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि भाई पुर्तगाल वाले लोग आराम से चले जाओ, वरना हम आर्मी वगैरह से हटवाएंगे तुम्हें, लेकिन पुर्तगाल वाले माने नहीं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी वगैरह बुलाई और फिर जो गोवा वाले लोग हैं उन्हें भगा दिया वहाँ से, ठीक है। तो इस प्रोसेस के बाद जो गोवा था वो 1947 से बहुत सालों बाद जाके हमारे पास आया था, क्योंकि हमने आर्मी का यूज़ करके बहुत सालों बाद जाके गोवा को अपने अंडर में लिया था, ठीक है। तो अब गोवा का जो एरिया था वो बहुत ही स्मॉल था, गोवा बहुत छोटा सा था, और उसको अब क्या ही अलग से स्टेट बनाते, इसलिए उसे यूनियन टेरेटरी बनाया गया था। लेकिन उसके बाद गोवा के लोगों ने 1987 में डिमांड रखी स्टेट उड़ की, और गोवा को एक अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1987 में। तो 28वीं स्टेट ये हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारी 28 स्टेट बन जाती हैं और 8 यूनियन टेरेटरी बन जाती हैं। दो कौन सी बनती हैं, एक स्टार्टिंग में 6 थी ना, दो कौन कौन सी बनती है, एक जम्मू और कश्मीर बन जाती है, जम्मू और कश्मीर, और एक बन जाती है लद्दाख, जो अभी 2019 में 370 आर्टिकल हटाया है। उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया था, तो ये 6 से बढ़ के 8 हो जाती हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारी 28 स्टेट हो जाती हैं, 8 यूनियन टेरेटरी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब एक आखिरी छोटा सा टॉपिक जान लो, इसमें बता रखा है कि जो हमने रीऑर्गेनाइजेशन करा है स्टेट्स का, ऐसी बात नहीं है कि ख़त्म हो गया है, ये अभी भी चल रहा है, कि मतलब बहुत सारे जो रीजन्स हैं आज के टाइम पीरियड पे भी वो डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ की, वो डिमांड कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन की, कि हमें एक अलग स्टेट बना के दो। जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक रीजन है विदर्भा करके, विदर्भा, तो विदर्भा के लोग कह रहे हैं कि हमें एक अलग स्टेट बना के दो जिसका नाम होगा विदर्भा। तो एक तो ये लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट बना के दो, और क्या पता है फ्यूचर में बना भी दें। तो रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इससे प्रूव होता है। उसके बाद जो यूपी है, यूपी में जो वेस्ट एरिया है, हरियाणा वगैरह की तरफ का जो एरिया है, तो वो एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा हरित प्रदेश, जिसमें वेस्टर्न यूपी आएगा। तो हरित प्रदेश बनाने की डिमांड रखी जा रही है वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। किस लिए डिमांड रखी जा रही है, इनका बेसिस है कि भाई हमारा हरित प्रदेश भाई हरा भरा है और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है ईस्टर्न यूपी के कंपैरिजन में, तो हमें इनसे अलग किया जाए वगैरह वगैरह। तो इस बेसिस पे इनकी एक डिमांड है एक अलग स्टेट की, तो हरित प्रदेश की डिमांड होगी। और इसको अगर आपने देखा हो, अभी 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी जो इलेक्शन में जो कंपेन्स वगैरह हैं उनमें जो मायावती है, मायावती जो वेस्टर्न यूपी की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाली है इस बार, तो मायावती जो है उसने
हरित प्रदेश के जो एरिया है, वेस्टर्न यूपी का एरिया, उधर जाके कही है ये बात। और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई यूपी में तो हम 100% हरित प्रदेश बना देंगे। तो इससे पता चलता है ये जो रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है ये खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। आगे जाके हमें और नई स्टेट्स मिल सकती हैं या फिर और नई स्टेट्स का पुराने स्टेट्स का मर्जर मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो से हमारा जो NCERT में जितना भी सिलेबस है पहले चैप्टर का वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक एडिशनल टॉपिक है जो कि NCERT वालों ने दे रखा है एग्ज़ाम्स के लिए सरदार पटेल के ऊपर, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार पूरी वीडियो वापस देखना, आराम से समझ आ जाएगा। थैंक यू।